जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हीटर्स पर है। सबसे पहले सम्बो ब्रांड के हीटर के बारे में तफसीलात बताता हूँ। ये 300 वाट का हीटर है। ये 1000 के हीटर के मुकाबले में चलेगा। इसको अगर आप दूसरे मोड पे चलाते हैं यानी 600 वाट पर, तो ये 2000 वाट वाले हीटर के बराबर चलेगा। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वो अगर कहीं गिर भी जाए, अक्सर घर में बच्चे वगैरह गिरा देते हैं, खासकर ऐसे रूम में जहाँ कालीन वगैरह बिछा होता है, तो फिक्र की बात नहीं है। ये गिरने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। 2500 रुपये इसकी आज की कीमत है और 250 रुपये इसके फीस चार्जेस के हैं। कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है। इसके बाद है जी सोगो हाइजन हीटर। इसकी इनपुट 220-240 है। टू हीटिंग पावर मोड है। पहले मोड पर ये 600 वाट पे चलेगा, जबकि दूसरे मोड पर 300 वाट पर चलेगा। इसकी कीमत 3200 रुपये है, जिसे आप अपने घर फ्री कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके बाद है जी तीसरे नंबर पर फेडी ओ ब्रांड में, जो कि गर्म हवा देगा और ये 800 वाट में है। रेटेड पावर 7 वाट है और रेटेड वोल्टेज 220-50 खास है। इसके साथ जो वायर दी गई है वो 1.5 मीटर है और साथ में इसके रिमोट कंट्रोल भी है, जिसकी वजह से आपको बेड पर से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब चाहें कि ऑन ऑफ इसको आप कर सकते हैं। इसकी कीमत 2600 रुपये है, लेकिन सोते वक्त आप इसको बंद करके सोया करें, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। वैसे ऑयल हीटर को छोड़कर बाकी तमाम हीटर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूम हीटर ऑन रखकर सोना कार्बन मोनोऑक्साइड की सतह में इजाफे के बायस बन सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। हीटर हवा में नमी की मकदार को कम करता है। सर्दियाँ वैसे भी खुश्क और सख्त होती हैं, लेकिन अपने कमरे में ज़्यादा देर तक इसका इस्तेमाल हवा में नमी को मजीद कम कर सकता है। खुश्क हवा आपकी जिल्द को खुश्क और खुरदरी बना सकती है। अगर आपकी जिल्द हसास है, तो ये लाली और खारिश का बायस बन सकती है। बाजार में बिकने वाले कुछ हीटर जो फरोख्त होने के लिए दस्तयाब हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर आपका कमरा मुनासिब हद तक हवादार नहीं है और आप इसे ऑन रख कर सो जाते हैं, तो यकीन कीजिए ये आपकी सेहत के लिए वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। इससे ज्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो है दमा, अलचक, जलन और कुछ दीगर संगीन बीमारियां। बहरहाल जी कहते हैं कि सो इलाज और एक परहेज जरूर एहतियात कीजिए, सिर्फ जरूरत की हद तक ही इसका इस्तेमाल करें। खासकर सोते वक्त जरूर इसको ऑफ करके सोएं। वीडियो लंबी होने की वजह से माजत खबा हूँ। इसी के साथ इजाजत आता हूँ, फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।